दोस्तों स्वागत है आपका यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आप कौन से खिलाड़ी को कर रहे हैं सबसे ज़्यादा मिस, जिसे आप देखना चाहते हैं आईपीएल 2020 में खेलते हुए, आप अपनी राय जो है कमेंट कर ज़रूर दें। दोस्तों आईपीएल 2020 का इंतजार जो है हम लंबे समय से कर रहे हैं कि कब हमें आईपीएल 2020 की फाइनल डेट जो है वो देखने को मिले, कब जो है यहां पर अपडेट आईपीएल 2020 को लेकर जो है वो हमें देखने को मिले, जहां पर कई सारे डाउट्स आईपीएल 2020 को लेकर जो है वो बने हुए हैं, जिनमें एक बड़ा डाउट ये था कि आईपीएल 2020 इंडिया में होगा या फिर होगा इंडिया के बाहर। और इसको लेकर यहां पर बीसीसीआई ऑफिशियल की तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है, जहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि यहां पर इंडिया में आईपीएल 2020 नहीं होगा, आईपीएल 2020 जो है इंडिया से बाहर खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट इस समय निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आईपीएल 2020 इंडिया से बाहर जो है वो होने वाला है। ये चीज कंफर्म करी है बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने, जहां पर दोस्तों उन्होंने दो कंट्री के नाम बताए हैं जो कि यहां पर फ्रंट रनर अप है, जो कि यहां पर सबसे पहली कंट्री है यूएई और दूसरी कंट्री जो है वो है दोस्तों यहां पर श्रीलंका। तो यूएई या फिर श्रीलंका, इनमें से गिनी एक कंट्री में आईपीएल 2020 हमें होता हुआ नजर आएगा। यहां पर इंडिया में इस साल आईपीएल हमें देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पर दोस्तों रीजन भी इसके पीछे काफी सारे हैं, जिनमें मेन जो है कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं। इंडिया में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जो है वो जा रहे हैं, ऐसे में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा रिस्की था आईपीएल 2020 को इंडिया में होस्ट करना, इसीलिए बड़ा स्टेटमेंट यहां पर बीसीसीआई के ऑफिशियल की तरफ से आया है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है चाइनीज स्पॉन्सरशिप को लेकर। कल ही हमने आपको बताया था किस तरह से बीसीसीआई के ट्रेजरर ने कहा था कि यहां पर चाइनीज स्पॉन्सरशिप हटाई नहीं जाएगी, इंडिया को ही जो है इससे फायदा होता है। और यहां पर बीसीसीआई ऑफिशियल की तरफ से भी यहां पर कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें वीवो से अच्छी स्पॉन्सरशिप मिलती है तभी वो वीवो का करार जो है वो तोड़ेंगे, तभी यहां पर वीवो को जो है टाइटल स्पॉन्सर से हटाया जाएगा। ये बड़ा स्टेटमेंट एक और बीसीसीआई ऑफिशियल की तरफ से आया है। तो दो बड़े स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, सबसे पहला यहां पर आईपीएल 2020 के होस्टिंग को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा है कि इंडिया में आईपीएल 2020 नहीं होगा, और दूसरा यहां पर चाइनीज स्पॉन्सरशिप को लेकर। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही थी जो कि हमने आपको दी। वीडियोस दोस्तों हम काफी कम बना रहे हैं क्योंकि यहां पर अपडेट्स जो है वो काफी कम आ रही हैं, लेकिन जो भी अपडेट आ रही है वो हम आप तक जरूर पहुंचाने वाले हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।